भीड़ मूवी रिलीज हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। देखिए मूवी को डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने। स्टार कास्ट की बात करें तो मेन लीड में राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर और आशुतोष राणा जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। और स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बेस्ड है कोरोना पैंडेमिक के वक्त पर, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी बुरा वक्त था, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज कमाने खाने वाले थे। और मूवी भी उस वक्त को अच्छे से प्रेजेंट करती है और दिखाती है कि कैसे उन लोगों ने उस वक्त का सामना करते हुए पैदल और साइकिल से हजारों किलोमीटर अपने गांव शहर जाने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो तो इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी, क्योंकि उन लोगों को कई बार भूखे और यहाँ तक कि प्यासे भी काफ़ी दूर तक चलना पड़ता था। और मूवी देखकर आपको लगेगा कि मूवी में कई ऐसे सीन होने चाहिए थे लेकिन नहीं हैं, मतलब वो ब्रूटल प्रॉब्लम्स जो उस वक्त मजदूर और गरीब लोगों ने फेस की थी। और कई ऐसे सीन्स भी हैं जिनको देखकर लगेगा कि इनका होना ज़रूरी नहीं था, इन्हें ट्रिम किया जा सकता था। तो ये थे मूवी के कुछ माइनस पॉइंट्स। अब बात करते हैं मूवी के कुछ प्लस पॉइंट्स के। तो अब बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर्स की, जो कि फेस ऑफ द मूवी है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल है जिसे राजकुमार राव ने निभाया है, और एक डॉक्टर का जिस रोल को भूमि पेडनेकर ने प्ले किया है। और जैसा हमें पता है कि ये रोल्स रियल टाइम में यानी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और दोनों ने ही इस मूवी में भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जैसा आप मूवी में देखेंगे कि कैसे दोनों ही अपने ड्यूटीज़ को ऊपर के प्रेशर और अपनी इंसानियत दोनों के साथ साथ लोगों की हेल्प करते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लोगों को इनक्रेज करते हैं। और ऐसे ही मूवी में और अच्छे रोल हैं, जैसे कि एक लड़की का जो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाती है। और मूवी में एक माँ का रोल भी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वह अपने बच्चे को हॉस्टल से घर लाने की कोशिश करती है। और ऐसे कई अच्छे सीन हैं जो आपको मूवी में देखकर ही पता चलेंगे। तो मैं देता हूँ इस मूवी को 3 स्टार। और हाँ, ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है जो मास मसाला या फिर एक के बाद एक हाई फाई सीन वाली मूवीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन को कोरोना काल का वक्त बताने और समझाने के लिए ये एक मास्टरपीस है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी मूवीज़ के रिव्यू और मूवीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।